के बारे में? हाँ साहब, अब जब वहाँ पे मैं गिरी ना तो मुझे किसी सांप ने बचाया। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को यहाँ पे दिखाए जाएंगे इंटरेस्टिंग सीन, और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो उर्वशी है वो आ चुकी है प्रथा के घर, और साथ में जो पताली है वो भी आ चुकी है प्रथा के घर, और ये दोनों लेना चाहती हैं प्रथा से बदला, और ये अपने बड़े मकसद को अंजाम देने के लिए आए हैं प्रथा के घर। और प्रथा जब तो नाज़रीन नागिन 6 के आने वाले एपिसोड में यहाँ पे आप लोगों को दिखाया जाएगा कि पताली और उर्वशी अपने मकसद में कामयाब होती नज़र आ रही हैं, और पताली और उर्वशी लेके आएंगी यहाँ पे एक इच्छाधारी मोरनी को। इच्छाधारी मोरनी वो जो प्रार्थना से और प्रथा से अपना बदला लेने के लिए आई होगी। प्रार्थना ने जब शादी की रुद्र से तो इस बात से जो है अनमोल वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है प्रार्थना से, और करने लग गई है नफ़रत प्रार्थना से, जिसकी वजह से अनमोल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रार्थना को अपने घर भी नहीं रहने देगी। और अनमोल जो है प्रार्थना को कहेगी कि मैं तुम्हें अपने घर लेके आई थी, किस चीज़ का बदला लिया और किस चीज़ की दुश्मनी निभाई है मुझसे। इस बात पर जब प्रथा को पता चलेगा कि प्रार्थना और रुद्र की शादी हो गई, तो जब प्रथा प्रार्थना को कुछ कहने लगेगी तो रुद्र सामने आ जाएगा और कहेगा कि जो बात करनी है वो मुझसे करे, प्रार्थना अब मेरी पत्नी है, प्रार्थना से कोई भी बात नहीं कर सकते आप। तो नाज़रीन यहाँ पे नागिन 6 में इंटरेस्टिंग सीन दिखाए जाएंगे प्रार्थना और रुद्र के, जिसको देख के अनमोल जो है वो गुस्से से पागल हो जाएगी, और प्रथा उससे रिक्वेस्ट करेगी कि तुम अनमोल की ज़िंदगी ख़राब नहीं करो, तुम रुद्र से डिवोर्स ले लो, रुद्र के साथ तुम किस लिए जुड़ चुकी हो, रुद्र से मुझे समझ नहीं आती, जब तुम्हें पता था कि अनमोल रुद्र से प्यार करती है तो प्रार्थना रुद्र से शादी करने का आखिर तुम्हारा क्या मकसद है। और प्रार्थना नहीं बता सकती प्रथा को कि उसने शादी रुद्र से की है अपना बदला लेने के लिए। यहाँ पर पताली और उर्वशी अपना प्लान बना रही हैं, जिसकी वजह से प्रार्थना और उसकी बहन जो है आपस में बन जाएगी दुश्मन, और प्रथा का घर जो हो जाएगा ख़राब। तो यहाँ पे जो अनमोल है वो प्रार्थना को कहती है कि तुम्हारी शादी बेशक रुद्र से हो गई लेकिन तुम रुद्र से दूर हो जाओ, क्योंकि मैं रुद्र से बहुत प्यार करती हूँ, तो इस वजह से दोनों बहनों में आपस में हो जाएगी गहरी दुश्मनी। तो नाज़रीन क्या आप लोगों को लगता है कि वक्त फिर दोहराएगा, इतिहास फिर से दोहराएगा अपने आप को? जैसे कि आप लोगों को पता है इन हिना और प्रथा की हुई थी दुश्मनी शुरू, वैसे ही अब होगी प्रार्थना और अनमोल की दुश्मनी स्टार्ट। तो आने वाले एक साथ में होगी काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन, तो आने वाले एक साथ में आप लोग हमारे साथ रहें और हम देंगे आपको नए नए रिव्यू नागिन 6 में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रथा को अभी तक नहीं पता कि प्रार्थना जो है वो शेष नागिन बन चुकी है, और जब प्रथा को इस बात का पता चलेगा कि प्रार्थना शेष नागिन है, फिर उसको ये भी पता चल जाएगा कि मेरे पति पे जिसने वार किया था, मेरे पति को जो मार रही थी वो प्रार्थना थी। इस बात से प्रथा होगी बहुत नाराज़ और प्रार्थना से पूछेगी कि आखिर क्यों तुमने ऐसा किया, आखिर क्यों मारना चाहती हो तुम ऋषभ जी को, और किस लिए तुमने रुद्र से शादी की, और किस लिए मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी। इस बीच में प्रार्थना पे प्रथा पे करेगा कोई वार, जिसका इल्ज़ाम भी आ जाएगा प्रार्थना पे। रुद्र जो है वो जानबूझ के प्रार्थना के नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है और जतला रहा है कि वो प्रार्थना से जो है करता है प्यार, लेकिन रुद्र दिल ही दिल में प्रार्थना से करता था प्यार। इस रुद्र खुद चाहता था कि जो अनमोल से उसकी शादी ना हो, और किसी तरीके से अनमोल से वो शादी तोड़ दे, तो इस वजह से अब अनमोल जो है वो भी, क्या आप लोगों को लगता है कि आने वाले एक साथ में अनमोल और रुद्र को भी नाग के रूप में दिखाया जाएगा, और अनमोल जो है वो नागिन के रूप में दिखाई जाएगी, और जो रुद्र है वो भी इच्छाधारी नाग दिखाया जाएगा, इच्छाधारी सांप दिखाया जाएगा। तो आने वाली कुछ एक साथ होने वाली मज़ेदार, तो हमारे साथ रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को करें सब्सक्राइब। आने वाली एक साथ में आपको देंगे रिव्यू, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।